उधमसिंह स्वाद खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी अरवी के पत्ते का पकौड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए हम सामग्री पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम अरवी का पत्ता लेंगे और उसे अच्छी तरह से धो लेंगे। हम गर्म पानी में धो लिए हैं, आप इसे ठंडा पानी में भी धो सकते हैं। और चने का दाल लेंगे और 2 चम्मच बेसन लेंगे और 1 नींबू लेंगे और 1 लहसुन लेंगे और हरी मिर्च लेंगे 6 और लाल मिर्च लेंगे, जीरा मरीच पाउडर लेंगे 1 चम्मच और नमक लेंगे और गरम मसाला लेंगे। सबसे पहले हम चना का दाल लेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये सोक हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से छान के धो के ग्राइंडर में पीस लेंगे और हरी मिर्च को भी पीस लेंगे और लहसुन को भी पीस लेंगे। और फ्राई करने के लिए सरसों का तेल लेंगे। चने के दाल को हमने पीस के तैयार कर लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले को मिला देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें हम नींबू का रस भी डाल देंगे। नींबू का रस आप इमली भी डाल सकते हैं और आमचूर भी डाल सकते हैं। खट्टा इसमें डालना जरूरी है क्योंकि गले में इचिंग होने लगता है खाने पर, इसलिए खट्टे का विशेष स्थान है। और हम इसमें बेसन को भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मिलाएंगे। हम एक थाला खोलेंगे और इसमें हम तेल लगा देंगे और इसे चिकना कर लेंगे और अरवी के पत्ते को उल्टे की तरफ से रखेंगे और इसमें अब हम बेसन को लगाएंगे। चारों तरफ से इसमें अच्छे तरह से बेसन लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम उसमें बेसन लगा देंगे और दूसरे पत्ते को हम फिर उल्टे की तरफ से रख देंगे और फिर इसमें भी हम बेसन लगा देंगे। आठ से दस पत्तों का हम ऐसे ही लेयर बनाएंगे और एक इधर से पत्ता डाले हैं तो दूसरा इधर से डालेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए इस पत्ते को हम इस तरफ से लगा रहे हैं और इस पर भी हम बेसन लगा लेंगे। इसको गर्म पानी कम से कम 10 पत्ते का लेयर चढ़ा देंगे हम और इसके बाद इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और गरम पानी करने के लिए हम पतीले में चढ़ा दिए हैं। और इस तरह का आपके पास अगर चलनी होगा तो इसको इस तरह से रख देंगे और जब पानी फूटने लगेगा तो ये जो हमारा है इस पे रख देंगे। थोड़ा सरसों तेल लगा के इसे चिकना कर देंगे। पतीले पर हम रख देंगे और इसे उठा के हम इस पे रख देंगे और एक बर्तन से ढक देंगे। इसे हम 20 से 25 मिनट तक
ढक के छोड़ देंगे। अब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम ढक्कन को हटा देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम पीस में काट लेंगे। इसे पीस में हम काट लेंगे, देखिए इसे काट लिए हैं। और एक पैन लेंगे और उसमें तेल डालेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम पलट लेंगे दूसरे तरफ से भी, इसे ब्राउन कर लेंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। दोनों तरफ से ये ब्राउन हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। अरबी पत्ता का पकौड़ा बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। इसे सर्व करने के लिए हम नींबू का रस इस पे डालेंगे। यह बहुत ही यूनिक डिश है, आप भी इसे बनाएं। और मेरी बनाई हुई डिश यदि आपको पसंद हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।